खबर हांडिया प्रयागराज से है, जहां उतराव थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव के दलित युवक श्यामचंद पासी पर जानलेवा हमला हुआ या सड़क हादसा। इस मामले में उतराव पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन पीड़ित ने जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए क्षेत्राधिकारी हांडिया को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। दादूपुर गांव निवासी श्यामचंद पासी 4 जनवरी को बलीपुर बाजार के लिए निकला। आरोप है कि मोतिहां गांव के कुछ लोगों ने उसकी बाइक छीनने के बाद श्यामचंद को ई रिक्शा में बैठाकर बलरामपुर बाजार ले गए, जहां खूब जमकर आरोपित लोगों ने शराब पीकर श्यामचंद पर जानलेवा हमला कर उसे मरणासन्न करके सड़क पर छोड़ भाग निकले। घर न आने पर श्यामचंद पासी की खोजबीन की गई तो वह बरेठी बाजार में मरणासन्न अवस्था में पाया गया। घर के लोग फौरन स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज लेकर भागे। 8 जनवरी को होश आने पर पीड़ित युवक के बताने पर उतराव थाने में और हांडिया क्षेत्राधिकारी को नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना अध्यक्ष उतराव श्रवण कुमार ने बताया कि दलित उत्पीड़न का मामला है, हांडिया सीओ साहब के यहाँ जाँच चल रही है, जैसा आदेश होगा वैसे ही कार्रवाई होगी। हांडिया से एसके सिंह पटेल की रिपोर्ट। हम बाहर दवाई चाहिए ना।